वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में आज उपासना फूड ब्लॉगर आप लोगों के सामने हाजिर हो गया है एक बंगाली ऑथेंटिक खाना लेके। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली मूढ़ी घंटों या बंगाली फिश हेड कड़ी, जो एक राइस के साथ बनता है। पर आप लोग अगर सोचता होगा कि राइस के साथ फिश हेड कड़ी कैसे बनता है, चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बंगाली फिश हेड कड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए पहले ही फिश हेड। देखिए, मैंने इधर कतला फिश का हेड लिया है और उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। देखिए, बंगाली फिश हेड कड़ी बनाने के लिए पहले हमको फिश हेड जो है उसको थोड़ा सा तैलना होगा, उसको फ्राई करना होगा। इसके लिए हमने तेल गरम करके लिया है। देखिए, इधर मैंने फिश हेड ले लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है। और उसके साथ मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। देखिए, इधर मैंने दो फिश हेड लिया है, अच्छे से फिश हेड को अच्छे से सॉल्ट को मैं मैरिनेशन कर लूँगी। फिश हेड में थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा लगता है, इससे फिश हेड एकदम क्रंची टाइप का फ्राई होता है। देखिए, इधर ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके इधर दो फिश हेड डाल दिया। ये दो फिश हेड को हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से फ्राई करना है। इसको 10 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको कड़ी दिखाते हैं। देखिए, इधर मैंने फिश का जो हेड है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इसका मतलब कि फिश, देखिए, इसका ब्रेक होते जा रहा है। देखिए, ये ब्रेक होते जा रहा है, ये ब्रेक भी हो गया। ये अच्छे से इधर से तोड़ो तो ब्रेक होते जा रहा है, मतलब ये फ्राई हो गया। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, इस बार आलू फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मैंने फिश को फ्राई कर लिया है और उसको उठा लिया है। अब सेम ऑयल में मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। मैंने 2 मीडियम साइज या 1 बिग साइज आलू भी ले सकते हैं, उसको ऐसे बारीक चॉप किया हुआ है। अब मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आलू को ये वाला फिश ऑयल के साथ ही फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है क्योंकि इसके अंदर फिश हेड फ्राई हुआ है, इसीलिए इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर रह गया है फिश का। इसके अंदर ही मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलू को फ्राई करने के बाद मैं कुकिंग प्रोसेस को शुरू करूँगी। चलिए आलू को फ्राई कर लेते हैं। देखिए, इधर मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं आलू को उठा लूँगी कड़ी के लिए और अब मैं कड़ी का प्रोसेस शुरू करूँगी। देखिए, मैंने आलू को फ्राई कर लिया। अब बाकी जो लेफ्ट ओवर ऑयल है वो लेफ्ट ओवर ऑयल के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 ढक्कन घी। इससे मूढ़ी घंटों या बंगाली फिश हेड कड़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुछ खड़ा मसाला। जैसे मैंने डाला 2 बे लीव्स, मैंने डाला सूखा मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग और उसके साथ मैंने डाला थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा शाहजीरा। सारे मसालों को थोड़ा सा फ्राई करते जाना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली। देखिए, मैंने प्याज और ग्रीन चिली को एक साथ डाल दिया। अब मैं थोड़ा बहुत इसको फ्राई कर लूँगी। देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट। सारे मसालों को एक साथ थोड़ा सा फ्राई करते जाना है। देखिए, मैंने पहली बार जो ऑयल डाला था फिश हेड फ्राई करते बाद, उस ऑयल में ही हमारा आलू फ्राई हो गया। उसके बाद कड़ी भी बन जा रहा है। बीच में मैं सिर्फ थोड़ा सा घी ऐड किया, इससे ये वाला ऑयल में बहुत ही बड़ा फ्लेवर आएगा। देखिए, मसाला को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
थोड़ा बहुत कुछ खड़ा मसाला, जैसे ड्राई मसाला। जैसे इधर मैंने लिया है गरम मसाला, इधर मैंने लिया है सौंफ और सॉल्ट का पाउडर। मैंने सौंफ और सॉल्ट को एक साथ ड्राई रोस्ट करके एक थोड़ा सा पाउडर बना लिया। इधर मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला खट्टाई स्वाद के लिए, थोड़ा सा नटमेग पाउडर या जायफल पाउडर। सारे मसालों को मैं एक साथ डाल दूँगी। डालने के बाद इसको अच्छे से मसाला के साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और जैसे ये मसाला ना जल जाए, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। थोड़ा सा वाटर मैंने ऐड किया जैसे मसाला ना जल जाए। अब देखिए, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सोप 100 ग्राम गोविंद भोग राइस। ये गोविंद भोग राइस बहुत ही एरोमा राइस होता है, इससे बहुत ही बड़ा एरोमा आता है बंगाली मुड़ी गोटो या बंगाली फिश हेड करी में। इधर मैंने 100 ग्राम गोविंद भोग राइस लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा सोक करके रखा था। अब इस सारे गोविंद भोग राइस को मैं एक साथ डाल दूँगी और अच्छे से मसाला के साथ फ्राई कर लूँगी। इसको मसाला के साथ एकदम फ्राई कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छा ये गोविंद भोग राइस मसाला के साथ फ्राई होगा, उतना ही अच्छा बंगाली फिश करी या बंगाली मुड़ी घंटों में स्वाद आएगा। देखिए, थोड़ा सा मसाला मैंने डाल दिया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ आलू। आलू को डालते ही हमें इसको बहुत ही अच्छे से इसको कुक करना है और अच्छे से इसको सौते करना है। देखिए, मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए जैसे मैंने फिश हेड के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा शुगर फ्री, आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से हम लोगों को फ्राई करते जाना है। देखिए, मैंने अच्छे से इसको भून लिया, थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, वाटर ऐड करूँगी। देखिए, मैंने मसाला को थोड़ा सा फ्राई कर लिया राइस के साथ और आलू के साथ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़ा कप वाटर और इसको अब हमें उबलते जाना है। एक कड़ी और ग्रेवी एकदम माखा माखा या स्टिकी बनते हैं, पानी इसमें नहीं रहता है। आप देखिए, मैंने उतना ही पानी दिया जितना चावल उबलने के लिए चाहिए, थोड़ा सा ही उबल जाए इसके बाद मैं इसके अंदर फिश हेड ऐड करूँगी। देखिए, इधर हमारा ग्रेवी थोड़ा सा उबल चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक फिश हेड जो मैंने फ्राई करके रखा। देखिए, मैंने इसके अंदर फिश हेड ऐड कर दिया। मैंने बड़ा बड़ा पीस ही रखा क्योंकि ये फिश हेड करी, फिश का पीस अगर बड़ा रहे उससे ही अच्छा लगेगा। और मैंने बाकी सारा पीसेस भी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से चावल के साथ मिला लूँगी। देखिए, चावल अभी तक पका नहीं है, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक ग्रेवी ऐसा बनता है जैसे चावल भी पक जाएगा, फिश हेड भी पक जाएगा, आलू भी पक जाएगा, उसके साथ ये जो पानी है ग्रेवी के अंदर ये भी एकदम नहीं रहेगा। चलिए, इसको मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया, अब इसको पका लेते हैं, उसके बाद आपको सर्विंग दिखाएंगे। देखिए, इधर हमारा ग्रेवी और इधर हमारा जो कड़ी है
वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, जैसे इसके अंदर बहुत ही बढ़िया एक फ्लेवर आएगा। और उसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नटमेग पाउडर। देखिए ये नटमेग पाउडर या जायफल का पाउडर है। ये पाउडर डालने से स्पेशली ये फिश हेड कड़ी जो है इससे बहुत ही अच्छा एक एरोमेटिक फ्लेवर आता है जो आप सिर्फ गरम मसाला से नहीं पा सकती। देखिए अब सारे मसालों को मैंने एक साथ मिला लिया है और मैंने चूल्हा को भी ऑफ़ कर दिया है, ओवन को भी मैंने ऑफ़ कर दिया है। मेरा चावल भी अच्छे से पक गए हैं और ऐसे ही गर्मा गर्म बनता है बंगाली फिश हेड कड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में। आप लोग अगर बना के घर वालों को खिला तो घर वालों भी बहुत खुश हो जाएगा। हम हमेशा फिश हेड से बंगाल से एक दाल बनता है, मूंग दाल देख के फिश हेड डाल के एक दाल बनता है, उसका रेसिपी भी मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने शेयर किया बंगाली स्टाइल मुड़ी घंटो। देखिए मेरा ग्रेवी एकदम बन के तैयार है, अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। देखिए बन गया है हमारा यमी यमी बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बंगाली फिश हेड कड़ी या बंगाली मुड़ी घंटो। आप लोग इसको बना के घर वालों को खिलाएं, घर वालों को बहुत खुश होगी। और उसके साथ मेरा वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, उससे आपको रेसिपी पूरा समझ में आएगा। मेरा वीडियो देखते ही वीडियो पे एक लाइक ज़रूर डालना। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर लेना, इससे मेरा चैनल का सारे स्वादिष्ट रेसिपियाँ आप लोगों का मोबाइल में आते रहेंगे नोटिफिकेशन। और मैं लौट के आऊँगी ऐसा ही है कि यमी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगी, स्टे एट होम स्टे सेफ। और प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, क्योंकि आप देखते तो है मेरा रेसिपी पर सब्सक्राइब करना भूल जाता है। और बीच में प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट एंड तक वीडियो देखिएगा। बाय।